आधुनिकता के इस युग में हर कोई अपने घर को हाईटेक व अच्छा दिखाने की कोशिश में आसपास के पेड़ पौधों को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देता है। इस बीच एक डूंगरपुर के सिविल इंजीनियर व उनकी पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पर्यावरण के प्रति अनूठा प्रेम दिखाई दे रहा है। डूंगरपुर शहर के उदयपुरा के रहने वाले आशीष पांडा व उनकी पत्नी मधुलिका ने अपने घर को प्रकृति से जोड़कर तैयार किया है। आशीष व उनकी पत्नी मधुलिका का 5300 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसमें से 2300 स्क्वायर फीट पर उन्होंने घर बनाया है। आशीष कहते हैं कि घर के बाहर से लेकर अंदर तक पर्यावरण की सुरक्षा का विशेष रखा है। खुले भाग को उन्होंने पक्का नहीं बनवाकर उसमें मिट्टी ही रहने दी है। इसके बाद उसमें छोटे बड़े करीब 500 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं। इसमें से कई औषधि पौधे के साथ भी साग सब्जियां भी उगाई हैं। आशीष न केवल पेड़ पौधों को बचाने में जुटे हैं, बल्कि वे पानी को भी उसी महत्व से सजे रहे हैं, जिसे आशीष अपने घर पर वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम भी लगाया है। इसमें न केवल जमीन का स्तर बढ़ता है, बल्कि बारिश से इकट्ठा होने वाला पानी भी है, जो कि साल भर में पीने के लिए इस्तेमाल होता है। आशीष बताते हैं कि उन्हें घरेलू इस्तेमाल के लिए 45,000 लीटर पानी का टैंक तैयार करवाया। यही पानी साल भर पीने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 90,000 लीटर पानी का टैंक अलग से, जो कि भूजल स्तर को रिचार्ज करता है। वहीं 90,000 लीटर का एक और टैंक है, जो कि घर के वेस्ट पानी, जो किचन के बर्तन धोने व कपड़े धोने से निकलने वाला पानी है, को इकट्ठा करता है। यही पानी पेड़ पौधे की सिंचाई में भी काम आता है। मधुलिका के अनुसार किसी पेड़ से क्या क्या फायदे हैं, यह सब जानकर ही पेड़ लगाए हैं। वहीं बगीचे में ज्यादातर पेड़ ऐसे हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों व कचरे को इकट्ठा करने के बाद उसे जला देते हैं, लेकिन दंपनी ने उसे जलाने के बजाय एक ड्रम में इकट्ठा किया। वहीं उन्हीं ड्रम में रोजाना से बचे हुए खाने को भी वेस्ट के रूप में इकट्ठा कर देसी खाद व जैविक खाद को तैयार कर अपने बगीचे में इस्तेमाल करते हैं, जिससे की जमीन हमेशा उपजाऊ रहती है। आशीष बताते हैं कि उनकी बनाई गई छोटी सी बगिया में कई सब्जियां व फले पेड़ भी हैं, जिसमें साल भर सब्जियां फले के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता है। केवल कुछ विशेष जरूरत होने पर ही वे बाजार का सामान उपयोग करते हैं। बाकी 80% सब्जियां व फल उनके बगीचे से ही उन्हें मिल जाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग में हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हम पानी खपत कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, उतना पानी हम तीन तरह से, एक तो हम स्टोर करें, एक रिचार्ज करें, और एक जो हमारा गंदा पानी है वो ट्रीट करके वापस यूज करें। तो इन तीनों को मिला के लगभग 2.25 लाख लीटर कुछ हम कर पा रहे हैं। तो इसमें हमने बारिश की एक पानी की एक टंकी बनाई, जो हम पीने में और रसोई में, और फिर 2 महीने के इमरजेंसी स्टोरेज हमारे पास है गर्मी में। और इसका जो ओवरफ्लो है टंकी का, वो हम रिचार्ज करते हैं जो बोर को और आसपास के हैंडपम्प वगैरह को मिलता है। और सारा जो हमारा नहाने धोने का जो पानी है, वो हम जो है वापस बगीचे में छान के ले लेते हैं। एक प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर बोलते हैं, सिंपल गिट्टी वगैरह है और पौधे लगे हैं, उसके थ्रू पास होके उस पानी को वापस हम ले लेते हैं।